पपला गैंग के गुर्गों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन इससे पहले रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया ने संकेत दे दिए थे। हवा सिंह ने 15 जनवरी और 18 जनवरी 2021 को पपला को पकड़ने के संकेत दिए थे। उस दौरान हवा सिंह घुमरिया ने क्या कुछ कहा था ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा रुख करते हैं क्योंकि पीएचक्यू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू होने वाली है। डीजीपी लाटा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के सवाल भी होंगे, लेकिन राजस्थान में आज की सबसे बड़ी खबर इसको इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अपराध का पर्याय बन चुका पपला गुर्जर अब जयपुर पुलिस की गिरफ्त में है। आप सोचिए कितनी एजेंसियां उसके पीछे लगी हुई थी, सीआईडी सीबी पीछे लगी हुई थी, जयपुर रेंज, अलवर की पुलिस, हरियाणा पुलिस, हरियाणा में भी महेंद्रगढ़, नारनौल, हर कोई पपला गुर्जर को पकड़ने की फिराक में था। लेकिन जिस तरीके से ये पपला गुर्जर बार बार आंखों में धूल झोंक कर भाग रहा था, अब उस पर पूरे तरीके से पूर्ण विराम लग चुका है क्योंकि जयपुर पुलिस ने पपला गुर्जर को पकड़ लिया है। लेकिन अब किस रूट के जरिए जयपुर पहुंचेगा इस पर अभी तक स्थिति साफ नहीं। मुमकिन है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि पपला गुर्जर जयपुर कैसे आएगा। कुछ खबरें ऐसी है कि पपला पुणे से दिल्ली आ सकता है और दिल्ली से फिर जयपुर आएगा, या फिर डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए भी जयपुर आ सकता है। अगर दिल्ली होकर आता है तो फिर मानकर चलिए कि शाम को या रात को 8 या 9 बजे के आसपास पपला गुर्जर जयपुर पहुंचेगा, और अगर डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए आता है तो इसको मानकर चलिए कि 8 से 7 से 8 के बीच में पपला गुर्जर जयपुर पहुंच सकता है। हालांकि किस रूट से आएगा शायद इसको अभी भी पुलिस साझा ना करे क्योंकि पपला गुर्जर का रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही रहा है, वो बाकायदा कोर्ट से भाग चुका है, भारी सिक्योरिटी के बीच से भाग चुका है, बहरोड में जिस तरीके से फायरिंग करके भागा उसने भी सवालों को जन्म दिया था। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि सितंबर 2019 में एक कुख्यात अपराधी विक्रम सिंह गुर्जर उर्फ पपला राजस्थान पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान बहरोड में संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त राजस्थान पुलिस द्वारा यह मालूम नहीं था कि यह अपराधी कौन है, जिस संदिग्ध को उन्होंने हिरासत में लिया है वो कौन है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उसने अपने साथियों को बुलाकर, जैसा कि आपको ध्यान है, थाने पर हमला किया और फरार होने में कामयाब हुआ। उस वक्त से लेकर आज तक राजस्थान पुलिस और अपने साथी पुलिस अधिकारी हरियाणा के जितने भी नज़दीक के ज़िले के पुलिस हैं उन सब के सहयोग से इस कुख्यात अपराधी के पीछे पड़ी हुई थी ताकि इसको गिरफ्तार किया जा सके। पिछले काफ़ी समय से राजस्थान पुलिस की कई टीमें अलग अलग दिशाओं में अलग अलग स्थानों में गई और पूरी तहकीकात करती रही। इस दौरान जो भी लीड हमें मिली उस पर हमारे सभी कर्मठ अधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने बड़ी मेहनत से काम किया और एक एक करके हर लीड को एलिमिनेट करते चले गए, और अंत में अब करीब 7 दिन पहले राजस्थान पुलिस की 2 टीमें हमने महाराष्ट्र में, जैसे ही हमारे पास एक लीड मिली और राजस्थान से 2 टीमें महाराष्ट्र कोल्हापुर के लिए रवाना की गई, और 26 तारीख को जीरो इन करके आईजी जयपुर श्री हवा सिंह घुमरिया के नेतृत्व में, निर्देशन में, हर वक्त उनसे दिशा निर्देश प्राप्त होते रहे, सीनियर लेवल पर चर्चा होती रही और इस अपराधी को कोल्हापुर में एक स्थान पर घेर लिया और 28 की इंटरवेनिंग नाइट में इसको ललकारा गया जहां पर ये निवास कर रहा था। इसने अपना नाम बदलकर वहां पर उदल सिंह रखा हुआ था और आधार कार्ड भी इस नाम से उसने जारी करवाया हुआ था, और इस आइडेंटिटी के अंतर्गत वो वहाँ अपनी एक महिला मित्र जो जिम संचालित करती है उसके साथ निवास कर रहा था। तो रात में जो
राजस्थान की पुलिस सिद्धांत शर्मा एडिशनल एसपी के नेतृत्व में वहां थी उस स्थान पर, उस द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया है और उसको लेकर राजस्थान जयपुर आ रहे हैं। कितने दिन से फरारी कहां काट रहा था और ये देखो अभी उससे विस्तार से जब इंटरोगेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस दौरान सितंबर 2019 से आज तक वह कहां कहां छुपता रहा है और कहां कहां उसने शरण पाई है। यदि हमारे संज्ञान में आएगा कि इन इन लोगों ने इसको शरण दी है, पनाह दी है, उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी उस स्थान पर इसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। एक सर, आप जो महिला जिम संचालक की बात कर रहे हो, इसको भी अपन ने गिरफ्तार किया है? उसको भी साथ लेकर आ रहे हैं, उसकी क्या भूमिका है उसके बारे में तहकीकात की। क्या कार्य के दौरान क्या घटनाक्रम रहा, पर ये पूरा क्या मुठभेड़ हुई इसके बीच में, कैसे टूटने की बिल्डिंग से कोशिश करी, भागने की कोशिश करी? ये सही है, इसने जब रात में ललकारा गया तो इसने अपने, क्योंकि ये थर्ड फ्लोर पर था, ये वहाँ से इसने छलांग लगाई और क्योंकि जैसे कि आईजी जयपुर के निर्देशन में कार्रवाई चल रही थी तो इनको ढंग से जो, क्योंकि पहले हमें वीडियो भिजवाया गया था जिस मकान में वो रह रहा था और उसकी सारी जो टोपोग्राफी समझकर कैसे हमारी डिप्लॉयमेंट होगा और किस ढंग से पुलिस नियोजित होगी वो यहाँ से डिसाइड किया गया था। उसी ढंग से जैसे कभी पीछे से भाग सकता है उस दिशा में भी हमारे कमांडो तैनात किए गए थे और उसको वहाँ पर दबोचा गया है। अभी डिटेल पता करेंगे, बताएंगे, इन्वेस्टिगेट पूरा करके इंटरोगेट करते हैं। सर, एक बीच में वीडियो भी वायरल हुए थे राजस्थान पुलिस के धमकी देने पर, मतलब गुजर केस, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन? मैं कह रहा हूँ ना, अभी तो ये बहुत जल्दी है कि इन सभी बातों का हम आपको उत्तर दें, क्योंकि डिटेल इंटरोगेशन अभी बाकी है। उसको लेकर जो आज वहाँ से रवाना होना और आगे उसके टिकट वगैरह करा के चलना, उसमें काफ़ी टाइम जाया हो चुका है, तो वो बिल्कुल जब हमारी कस्टडी में पूरा हम इंटरोगेट करेंगे तो आपको डिटेल फिर बताएंगे। सर, इस पर राजस्थान में कितने मामले दर्ज हैं और कितने का इनाम है, और इसके अलावा सर सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस बार इसको सही सलामत सजा दिलाना, क्योंकि दो बार पहले फंस चुका है पुलिस पर अटैक करके। आपकी बात से बिल्कुल हम सहमत हैं, इसको ढंग से रखना प्लस इसको सजा दिलाना हमारे लिए एक चुनौती है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जो साक्ष्य बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी और जो सूक्ष्म से सूक्ष्म साक्ष्य है जुटाया जाएगा ताकि इसको सजा दिलाई जा सके। राजस्थान में इसके अभी तक हमारे पास 4 मामले संज्ञान में आए हैं जो दर्ज हैं। इसके अलावा भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा इसने और भी क्या क्या यहाँ पर किया हुआ है। हरियाणा पुलिस में इसके विरुद्ध 4 तो हत्या के मुकदमे दर्ज हैं और वहाँ भी ये पुलिस पार्टी पर फायर करके फरार हुआ हुआ है। सर, इनाम कितना था इस पर? हमारे यहाँ 5 लाख का इनाम था। सर, ऑपरेशन में कितने पुलिस कर्मी लगे हुए थे और किसकी अहम भूमिका? वहाँ हमारे करीब 2 दर्जन से ज़्यादा आदमी गए हुए थे हमारे। सर, जयपुर कब तक आ जाएंगे? जयपुर देखें, अभी थोड़ा समय लगेगा। देखो ये सारे, क्योंकि अगर ये इन्वेस्टिगेशन की बातें हम आपको बता देंगे आगे फिर और दूसरे अपराधी को गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाएगा। सर, अभी आपने बोला एक आधार कार्ड बनाया था इसने वहां पे, उस नाम का आधार कार्ड इतना आसान नहीं होता है, पता नहीं उसने कैसे उदल सिंह नाम के व्यक्ति से उसके नाम से वो आधार कार्ड बना के रह रहा था। सर, कुछ नया नेटवर्क सामने आया इसका, क्योंकि सर इतना कुख्यात अपराधी है तो एक नेटवर्क की चेन होती है? नेटवर्क तो इसको पहले ही हम 50 से ज़्यादा आदमियों को गिरफ्तार कर चुके हैं जैसा कि आपको ध्यान है, और मैंने कहा ना जो ये वैसे तो देखा जाए ये 2017 से हरियाणा पुलिस की हिरासत से भागा हुआ है। जब हरियाणा पुलिस की एक टुकड़ी इसको पेशी पर ले जा रही थी तो इसके साथियों ने एम्बुश करके उसको छुड़ाया था और पुलिस के ऊपर फायर किया था। ये 2017 से ही फरार चल रहा है। जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से सामने आए थे वो करीब अरेस्ट हो चुके थे, बजाय इसके कोई एक इक्का दुक्का कोई और भी होगा जो पर्दे के पीछे है। वो अभी मैंने कहा ना जैसे डिटेल इंटरोगेट करेंगे, उस टाइम जब हमने इसको गिरफ्तार किया था जो कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए हमारी हिरासत में रहा था, तब तक तो हम इसकी
जो आइडेंटिटी है वही नहीं फिक्स कर पाए थे और उसी का फायदा उठाकर ये भागा था। मैंने कहा ना एक जिया उस शहर सिगलीगर नाम की लेडी है जिसको साथ लेकर आ रहे हैं, उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। जिया उस शहर सिगलीगर सर, इस पूरे मामले में जितनी पुलिस वालों की संलिप्तता पहले पाई जा रही थी उसके अलावा भी कुछ मिला है क्या सर इसमें? देखो मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, इन सब का आंसर हम देंगे लेकिन पूरा इंटरोगेट उसको कर लें तसल्ली से, उसके बाद आपको बताएंगे, अभी तो इतना ही था। जयपुर जाने के बाद इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया रहेगी? इन्वेस्टिगेशन तो वही है, पहले तो सबसे पहले तो इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा, वहाँ से रिमांड लिया जाएगा, रिमांड के दौरान इंटरोगेट और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, साक्ष्य जुटाया जाएगा। देखो मैं फिर वही बार बार उसको घुमा फिरा के पूछने से कोई फायदा नहीं है, मैंने कहा ना अभी डिटेल वर्कआउट करना बाकी है, इंटरोगेट करना बाकी है। देखो ऐसा है, आपको सबसे पहले टिप कब मिली थी कब नहीं मिली थी, होता क्या है देखो कोई ताला है खुलेगा तो एक ही चाबी से, अगर उस चाबी को हजार चाबियों के बीच में मिला के रख दिया जाए, अगर आप लकी हो तो क्या बताओ जब पहली चाबी आप ट्राई करो क्या बताओ उसी से खुल जाए, और अब अगर नहीं उतने लकी हो तो 999 तक भी आपको फिर लास्ट चाबी आपको लास्ट में मिले। तो देखो वही मैं कह रहा हूँ, तो हमारे जब से ये फरार हुआ है राजस्थान पुलिस द्वारा बड़ी गंभीरता से जाँच की गई है और जो विभिन्न हमारी संभावित लीड्स थी एक एक कर को एलिमिनेट किया गया है, और एलिमिनेशन के बाद जब वो शॉर्ट लिस्टिंग है उसी का परिणाम है आपके सामने जो गिरफ्तार है। एक सर जो हमारे सवाल रह गए तो उम्मीद करें दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जल्द होगी। बिल्कुल, आपको जो जैसे ही नई लीड सामने आएगी और नई सूचना हमारे पास आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। हाँ हाँ देखो अभी वो कहाँ आएगा, क्योंकि अगेन ये टैक्टिकल है, आपको जैसा जिस प्रवृत्ति का ये अपराधी है उसको सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, लेकिन ये सही है कि जो ट्रायल कोर्ट जहाँ पर होता है उसी के थाने में रखा जाना उचित रहता है और वहीं से इसकी प्रक्रिया संचालित होती है जहाँ जहाँ भी इसके मुकदमे दर्ज हुए। नहीं अभी ऐसा कोई काम करना नहीं पाया गया है। एक सर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी फोटो और वीडियो मिल जाए तो जिससे कि फोटो तो क्योंकि इसको बापर्दा गिरफ्तार किया है हमने। अच्छा। क्योंकि मैंने जैसा बताया जब हमने इसको हिरासत में लिया था हम नाम नहीं जानते थे, तो उस टाइम के जो अधिकारी हैं जिनको ये चीट करके या मान लो जिनके ऊपर ये फायर करके भागा है उनसे कार्रवाई शनाख्ति कराना जरूरी है ना एक साक्ष्य के रूप में। हाँ वो दे दिया ना आपने, तो जिसमें इसने अपना शरण लिया हुआ था उसका एक आपको मकान का वो दिया जाएगा, और वहाँ की पुलिस का काफ़ी सहयोग रहा है, उन लोगों ने राजस्थान पुलिस को काफ़ी सहयोग दिया है। मैंने आप ये आपको बोला आप यूँ घुमा लो या यूँ घुमा लो ऐसा बड़ी चुनौती थी टीम के लिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था हथियार उसके पास हो सकते हैं, एनकाउंटर भी हो सकता है, क्या कुछ टीम को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे यहाँ से या पूरी तरीके से? टीम की सभी परिस्थितियों को करने की तैयारी थी, अगर वो हथियारों से कुछ होता तो वो भी हमारी तैयारी थी, पूरे हमारे कमांडो ईआरटी के कमांडो सब पूरी तरह से सुसज्जित थे वहाँ पर। नहीं अभी तो ये किराए पे था। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना हो? अब तो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछेंगे सर। क्या 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 पूछ रहे हैं? इंटरव्यू तो हो गया ना, पूछो ना। हाँ नहीं वन टू किसका रात में 2 बजे हमारा ये जो हमने इसको दबोचा है
दो बजे पूरी कार्रवाई की है जिसमें एक घंटे के करीब लगा है। तो उसके बाद इसको जो प्रक्रिया थी इसको आगे लाने की, वो करने की, टिकट कराया और आगे जो भी है, और फिर आगे जो बॉटलनेक्स आए हैं उसमें अभी ढंग से पूछताछ नहीं हो पाई है। नहीं, ऐसा ओवर अटैक ज़्यादा वो नहीं रहा, उसने बचने का प्रयास जरूर किया। सर, इसको प्रेस कैसे किया गया, क्या इसके फोन टेपिंग था, किसी ने इनपुट दिया या कुछ इस तरह का? बहुत होशियार हो ना। नहीं, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बताने को कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर आगे भी अपने इस तरह के क्राइम्स होते हैं, फिर उसमें उनको बचने के रास्ते मिल जाते हैं। और यही वजह है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में दिक्कतें आ रही हैं। हम क्या सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं और फिर आगे फिर अपराधी अपने आप को अमेंड करके उसी का फिर सहारा लेके दूसरा रास्ता बदल लेते हैं, ये दिक्कत पैदा होती है। बात सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था, आपने फोटो अगर डाल दिया था बार बार के साथ, क्या उन्हें भी डिलीट करने की डिपार्टमेंट की ओर से कोशिश होगी? क्योंकि देखिए उसको देख के बहुत सारे लोग बीच में डालने भी लगे थे और आपकी पुलिस ने फिर रोक भी लगाई थी। देखो आपके सामने आया होगा, अभी दो दिन पहले भी मेरे को कोई 12 में बता रहे थे, किसी दो अपराधियों ने पूरे आर्म्स डिस्प्ले करके अपने फेसबुक जो भी उनका वॉल होती है उस पर अपलोड किया हुआ था। और उससे पहले आपने देखा होगा जोधपुर के आसपास के कई गैंग्स ने यही सरेआम उस पर फेसबुक पे वेपन्स के साथ डांस और पता नहीं क्या क्या किया। इन सब के विरुद्ध हमने कार्रवाई की है, जो भी इस तरह का पब्लिक डिस्प्ले करता है उसके विरुद्ध जो नियम बनता है, लॉ है, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। ऐसा है, मैं फिर आपसे संपर्क करूंगा जैसे वो यहाँ आएगा, आपको जहाँ आपको लगे उसका स्वागत करना चाहते हैं वहाँ करना, ठीक है? अभी मैं वही बता रहा हूँ ना, अभी ये नहीं कहेंगे कि कहाँ क्या कैसे आ, ठीक है, उसके बाद करें। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पपला गुर्जर जिसका असली नाम विक्रम गुर्जर है, वो दरअसल कोल्हापुर के अंदर उधम सिंह के नाम से रह रहा था, नाम बदल कर रह रहा था। और सुपर एक्सक्लूसिव वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, उस मकान की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसकी तीसरी मंजिल पर वो रह रहा था, एक महिला मित्र के साथ रह रहा था। एक और एक्सक्लूसिव जानकारी, जिस वक्त पपला गुर्जर को पकड़ा गया उस वक्त उसके पास कोई हथियार नहीं था, चारों तरफ से घेर कर उसको गिरफ्तार किया गया है। लगभग इस पूरे ऑपरेशन में 2 घंटे लगे, 1 घंटा लगा दरअसल समझने के लिए और दूसरा उसको गिरफ्तार करने के लिए। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल वो मकान है जिसकी तीसरी मंजिल पर पपला गुर्जर रह रहा था, फरारी काट रहा था, लेकिन अब उसको सलाखों के पीछे रहना होगा। कुछ सवालों के जवाब डीजीपी साहब नहीं दे पाए, वजह भी साफ है क्योंकि पुलिस की अपनी एक कार्यप्रणाली है और उस हिसाब से सभी जानकारियां साझा नहीं की जा सकती, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसे कि हर कोई ये जानना चाहता था कि पपला गुर्जर दिल्ली आएगा, जयपुर आएगा या कहां आएगा, उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में जानकारी नहीं दे सकते। जिया और शहर नाम की जिम संचालक महिला के साथ वो रह रहा था,